never felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life every time. और हमने वो प्लांट लगा दिया है जो हमें आया था गिफ्ट. और मैं और जी जो हाय हम जा रहे हैं यूनो खेलने. वो बताओ कितनी दूर है? पास में ही है. ये चाची वालों के घर में जा रहे हैं और जैसे मतलब थोड़े बहुत खेल लेते हैं जिनसे उनको भी एंटरटेनमेंट हो, सिंधु स्वीटी और हनी को, और हमें भी बेटर रहे. इसकी पढ़ाई चल रही है, इसकी टीवी देख रही है और ये... आज मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ. मैं सोच रहा हूँ और कुछ नहीं करे, बस इधर बेड पे जाके सो जाते हैं. शाम के 4 बज रहे और मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है चाय, तो मैं खुद की चाय खुद ही बना ले रहा हूँ. आज बनेगी मसाला चाय. तो टाइम अभी 9:00 हो रहा है. जो काम बाजा था वो सब हो चुका है, जितने भी पर्सन से बात करनी थी वो सब हो चुका है. एंड अभी क्या करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर रात को काम करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर कल उठेंगे, वही रूटीन चलता रहेगा. तो मैक्सिमम लोगों का तो सेम रूटीन चल रहा होगा डेली. जो क्या करेंगे लॉकडाउन में भी, जो आज चल रहा है वही कल चल रहेगा, वही परसों चलेगा, एंड वही रिपीट होता रहेगा. लेकिन उसे एक्चुअली बोर तो सभी होते हैं, लेकिन वो देखना है कि आपका बोर कैसा है. आप उसे आप बोर को बोर ही जैसे चले जा रहे हैं, फिर बोर को आप इंटरेस्टिंग बना रहे हो. आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो अगर आप सही से अगर आप काम करोगे तो. ऐसा नहीं है कि कुछ यूटिलाइज करे, यूटिलाइज ही नहीं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को ही अगर सही से सुनोगे, मतलब सही से अगर काम करोगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग बन जाएगा कोई भी काम. तो तब आपका दिन बोर बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको वो दिन प्रोडक्टिव आपको लग जाएगा. तो वही चीज़ है, वही स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते रहो, हो जाएगा इजीली काम. और क्या चाहिए. टाइम फिलहाल 11:30 हो चुका है और मैं काम किया था, हमने ग्राइंडर का काम कर दिया है इडली के लिए. कल सुबह इडली बनने वाली है तो कहते तो मजा आएंगे इडली खाने में. लेकिन डिफरेंस होता है बाहर की इडली और घर की इडली में. डिफरेंस ये होता है कि घर की इडली जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, बाहर की इडली थोड़ी हार्ड होती है. तो घर वाली इडली कभी भी अच्छी खाने लगती है. और जैसे साउथ इंडियन है, चटनी अगर मूँगफली की चटनी हो जाए तो और क्या ही चाहिए, मजे ही मजे हो जाएंगे. तो चलो फिर थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं और सो जाते हैं फिर. टाइम अभी 12 हो रहा है और मुझे जो वो बची वीडियोस है, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी जो दो वीडियोस है, मतलब आज के दिन मैंने इवनिंग से ही व्लॉग स्टार्ट किया था और जो कल का अभी मैंने इवनिंग से एक व्लॉग शूट करा था. तो मैं वो वाला इवनिंग और ये वाला इवनिंग मिला दूंगा, कल नहीं मतलब परसों वाला, वो वाला व्लॉग और ये वाला व्लॉग एक बार एडिट करके मैं आपको वही दिखा दूंगा. क्योंकि वो वाला उस दिन मैंने 13th of June मतलब परसों मैंने वीडियो एडिट 13th को डाली थी. हाँ 13th को मैंने नहीं डाली थी, 13th of June को मैंने वीडियो नहीं 12th of June को मैंने वीडियो नहीं डाली थी. 12th of June का और आज का मतलब 14th of June का है, ये दोनों पार्ट मैं एडिट करके मैं इस व्लॉग में डाल दूंगा, वही देख लेना. तो चलो वीडियो एडिट करते जब तक. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मैं थोड़ा काम ऐसे मतलब 12 बजे 1 बजे तक करता रहता हूँ. तो मतलब पेरेंट्स सो जाते हैं, तो मतलब 10 बजे तक 11 बजे सो जाते हैं. लेकिन मैं बताऊँ मम्मी का मन कभी रुकता नहीं है. मम्मी बताऊँ फिर आके डेफिनेटली चेक करेगी मेरा बेटा या फिर बेटी सोई है फिर नहीं सोई है. लिटरली मैं बता रहा हूँ अभी अभी मेरे मतलब 11-12 बजे तो वो सो जाते हैं जनरली. तो अगर हम 1 बजे तक सो रहे तो डेफिनेटली 2-3 बार आके चेक करके जाएंगे और बोल के जाएंगे कि तो जल्दी से जल्दी सो के चले जा. वो मैं बता नहीं सकता उसे कैसे एक्सप्रेस करूँ वो चीज़ें भी. नो वर्ड्स फॉर दैट. वो रिलेशन ऐसा है पता नहीं, वो उनकी नींद जब तक नहीं लगती जब तक उनका बेटा या फिर बेटी सोए नहीं. मैं गुस्से में बोल देता हूँ मैं आप सो जाओ क्यों उठे रहते भर के, लेकिन वो सिंपली बोलते हैं कि जब तक तू सोता नहीं हमें नींद नहीं आती. वो ऐसा बॉन्ड बना रहता है एक मदर और एक सन या फिर डॉटर के बीच में.
टाइम अभी 1:30 हो रहा है, मैंने पूरा व्लॉग जो है एडिट कर लिया है, एडिट करके मैंने सॉन्ग डाल दिया है, कल मैं उसको व्लॉग डाल दूंगा अपलोड के लिए और 11 o'clock आपके पास व्लॉग आ जाएगा, आप देख लीजिए उसे। अगर आपको व्लॉग्स हमारे अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर दिस आपके फैमिली ग्रुप पे, आपके जो स्टेटस है स्टेटस पे आप डाल सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच हो वीडियोस की। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड हो तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वो लाइक बटन उसके दबा दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।